आपको ले चलते हैं सोलन के जोरना हॉस्पिटल में, जहाँ पे एक माँ जो है अपने बच्चे की जिंदगी के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ एक बेटी के साथ साथ जो दूसरी जो बच्चा है उसका जो दूसरी बेटी है, एक बेटी उसकी किडनी की समस्या से जूझ रही है, और साथ ही दूसरी जो बेटी है वो 90% अपंग होने के कारण ना ही वो चल पाती है, ना ही वो बोल पाती है, और ना ही वो बैठ सकती है। और अभी तक जो है सरकार की तरफ से, किसी प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी राहत की राशि जो है उन्हें प्रदान नहीं हो पाई है। हम आपको ले चलते हैं उस माँ के पास जो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है उनका इसके बारे में, क्या क्या उनको समस्या यहाँ झेलनी पड़ी? जी अभी हम आपको ले चलते हैं। क्या कहना है आपको, क्या क्या समस्या आई जब आप डिस्ट्रिक्ट मंडी से यहाँ आए, तो क्या क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अभी आप क्या सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? एक तो हमारे पास रहने को नहीं, कुछ नहीं है। अब लड़की मेरी एक किडनी की क्या बना है, तो 4 बार आना पड़ता, हम घर से आना पड़ेगा डायलिसिस। और साथ में 2 बच्चे मेरे साथ है, वो तो किसके पास रह सकते हैं? साथ में मैं स्कूल में लड़ी, वो भी छोड़ दिया मैंने, पर गाड़ी वो भी दे दिया, उस पर फिर सारा कुछ ला दिया सोलन को। यहाँ मैंने कैसे करना, वो अब मेरे पास कुछ नहीं है। आपके पति क्या करते हैं? वो गाँव में चला, एक्सीडेंट हो गया जी, गाड़ी में अभी है नहीं, वो एक्सपायर हो तो गए हाँ हैं जी, एक्सपायर हो गए, उसके 6 साल होगी, छः जी। साल तो होगी अभी मुझे। आप पैसे का, आपका जो इनकम का साधन है वो कहाँ से आप पैसे ला रहे हैं? वो ला रहे जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको हमारे को 4 लाख रुपया मिला था, वो खत्म हो गया वो लाश के लिए। अब 30,000 हमारे को मिल गया, वो बिल जमा हुए थे, वो 30,000 मिल गया, वो तो गया, कोई कुछ नहीं मिला हमारे को सरकार की तरफ से, कुछ जैसा कि नहीं। माँ बता रही है कि उनके पति की जो डेथ है, जो मौत है, वो आज से 6 साल पहले हो चुकी है, और जो जिस वक्त उनके पति की मौत हुई थी, जो वहां से पैसा मिला था, कि एक्सीडेंट के तौर पे उनकी मौत हुई थी, और जो पैसा मिला हुआ था, वो सारा का सारा पैसा जो है बेटी के इलाज के लिए यहाँ पे उन्होंने खर्च कर दिया है। तो ऐसे हालात में ये माँ क्या करेगी? तो ये सरकार के साथ यही गुजारिश लगाना चाहते हैं, सरकार के पास ये यही अपना गुजारिश लेके जाना चाहते हैं कि बहुत जल्द जो है इनकी बेटी को सरकार की तरफ से या किसी प्रशासन की तरफ से जो है आर्थिक रूप से सहायता मिले, ताकि वो अपने बच्चे का जो एक किडनी की भयंकर जैसी बीमारी से जूझ रही है उसका अच्छे से इलाज करवा सके। मैं सुनील कटवाल, कैमरामैन साधना के साथ, हिमाचल एक्सप्रेस, सोलन।